अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ भेटकी फिश का झोल का प्रिपरेशन। भेटकी फिश एक्चुअली ब्रेकिंग ब्रैकिश वाटर का फिश है, समुद्र का मछली है, लेकिन खाने में बहुत सुस्वादु है। तो इसका मैं झोल बनाना प्रिपरेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले इसको तो मैं साफ सुथरा कर लिया, उसके बाद उसमें नमक और हल्दी इसमें मिक्स करना है। तो नमक और हल्दी छिड़क लिया, छिड़क के इसके साथ इसको मिक्स करना पड़ेगा। अभी जो मैं भटकी फिश का झोल बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा हरी मिर्च का पेस्ट, जीरे का पेस्ट, हल्दी, नमक और गरम मसाला। वेरी सिंपल प्रोसीड्यूर, ज़्यादा स्पाइसेस ना देते हुए मैं इसको झोल बनाऊँगा। अभी मैं ओवन में पैन बैठा दिया, इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल डाल रहा हूँ क्योंकि ये जो फिश जो है उसको फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है, नॉट डीप फ्राई, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। अभी तेल गर्म हो जाने पर इसमें मुझे ये फिशेस को थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा। देखिए ये जो फिश ऑयल में फ्राई हो रहा है, उसको हल्का फ्राई होने पर मुझे उतार के रखना पड़ेगा। देखिए जो भेटकी फिश जो था वो मैं फ्राई कर लिया, देख लीजिए मैं डीप फ्राई नहीं किया, थोड़ा बहुत इसको फ्राई किया। अभी इसको ग्रेवी मुझे बनाना है, तो ग्रेवी को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तेल दे दिया, बर्नर सिम कर दिया। बर्नर सिम करने के बाद तेल में मुझे देना है मोड़ी या एनीसीड या साफ मोड़ी, थोड़ा बहुत मोड़ी इधर फूरन के हिसाब से मैं दूंगा। मोड़ी दे दिया, जीरा दे दिया, थोड़ा जीरा दे दिया, उसके बाद तेज पत्ता डाल दिया इधर। अभी जो स्पाइसेस मैं यूज करूंगा, स्पाइसेस मुझे देना है, उसमें क्या देना है, जीरा का पेस्ट, लगभग 2 टेबल चम्मच जीरा का पेस्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 टेबल चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तेल में डाल दिया, उसके बाद हिसाब के अनुसार टर्मरिक पाउडर में मैंने इस्तेमाल किया। अब इसको ग्रेवी बन रहा है, हल्का सा ग्रेवी बन रहा है। इसके बाद मैंने डाला इधर हिसाब के अनुसार मैं इधर सॉल्ट या नमक का इस्तेमाल करूँगा। इसको थोड़ा बहुत धीरे धीरे पकाना है क्योंकि इसमें रॉ स्मेल आ जाए। धीरे धीरे पकाने से क्या होगा, इससे रॉ स्मेल खत्म हो जाएगा और जो स्पाइसेस है, मसाला है, पूरा पक जाएगा। एक चीज़ देखिए, मैं इधर ओनली जीरा पाउडर और हरी मिर्च का पेस्ट ही डाला, जीरा और हरी मिर्च, और कोई स्पाइसेस मैंने डाला नहीं, और हल्दी और नमक। ये थोड़ा हो जाने के बाद इसमें थोड़ा बहुत मैं हिला लिया, थोड़ा पक गया। इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाल कर मुझे इसको एकदम माइल्ड सिम फ्लेम में मुझे इसको धीरे धीरे थोड़ा हिलाना है। तो धीरे धीरे होता रहे। अभी देखिए ये ग्रेवी पूरा पक चुके हैं और इसमें पानी का जो पोर्शन है पूरा खत्म हो गया, तेल भी थोड़ा निकल के आ गया स्पाइसेस से। अभी स्पाइसेस का जो रॉ स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी क्या करना है, इसमें मुझे पानी डालना है, झोल जो बनाना है उसमें डालना है, हिसाब के अनुसार मुझे इधर पानी डालना है। तो पानी डाल के मैं इस बर्नर को बढ़ा दिया, मेरा जितना भी पीस मछली है उसी के हिसाब से मुझे पानी डालना है। उसी के हिसाब से पानी डालने के बाद इसको पानी को उबालना है। इधर उबालने के लिए मैं स्टीम को बढ़ा दिया, अभी उबालने के लिए मैं थोड़ा देर छोड़ दिया। अभी देखिए पूरा मेरा झोल जो था ये पूरा उबल रहा है, उसको इस बर्नर को सिम कर दिया। लास्ट जो चीज़ ऐड करना है, आपको जो बताया था मैं, गरम मसाला पाउडर मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। इधर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, मैं बर्नर भी सिम कर दिया। अभी जो मछली जो मैं
भून के रखा था तो राहुल, तो अभी इसमें छोड़ना है। तो भुना हुआ मछली थोड़ा वो मैं अभी इधर इस गरम झोल में मैं छोड़ रहा हूँ को हल्का से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है फिश, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इधर छोड़ रहा हूँ इसको, अभी सारे मछली इधर मैंने छोड़ दिया और बर्नर को थोड़ा बढ़ा दिया। थोड़ा देर तक इसको बॉयल होने पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये जब पूरा उबल जाएगा इसका जो झोल है ये फिश में भी एब्जर्व हो जाएगा, तब इनको उतारना है। अभी देखिए झोल जो उबल रहा है, मछली भी इधर डाला हुआ है। अब अभी जब आपको लगेगा कि ये पूरा एब्जर्व हो गया, मछली अभी हो गया, तब इनको अभी उतार लें, इनको हम यहाँ से उतार लेंगे। अभी देखिए मछली पूरा हो गया, झोल पूरा रेडी हो गया, मछली के अंदर भी एब्जर्व कर लिया। अभी इसको मैं मेरा गैस बंद कर दिया। अभी इसको मैंने धीरे धीरे वहाँ से निकाल लूँगा। अभी देखिए ये भेटकी मांस का झोल जो पूरा तैयार हो गया, बहुत अच्छा भेटकी, अच्छा खुशबू भी आ रहा है। ये भेटकी मांस का झोल पूरा तैयार है। अभी हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।